वेलकम एवरीवन, सत्येंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में मैं पैट्रिक मुर्मू आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, स्टड। ये भी फास्टनर का एक प्रकार है। जैसे हम अभी चल रहे हैं, हमारा टॉपिक फास्टनर है, तो उसके अंतर्गत स्टड भी एक फास्टनर है जो कि टेम्प्रोरी है, टेम्प्रोरी फास्टनिंग। तो स्टड होता क्या चीज़ है ये? तो स्टड, जैसे हम लोग जान रहे हैं, एक फास्टनर है, तो ये भी एक गोल सिलेंड्रिकल रड से बनाया जाता है। इसमें एक छोर पे थ्रेड कट, जैसे हम लोग जानते हैं बोल्ट में एक छोर पे थ्रेड कटी होती है, लेकिन स्टड में दोनों किनारों में थ्रेड कटी होती है और बीच का भाग को खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें होता है कि ये दोनों तरफ से हम पार्ट्स को अटैच कर सकते हैं। तो ये जो स्टड है वो हुआ प्लेन स्टड। पहले एक साइड स्टड्स का थ्रेड हम फंसाएंगे, फिर दूसरा पार्ट्स को दूसरा थ्रेड में। अब हम बोलेंगे ये स्टड यूज कहाँ होता है। ये स्टड को हम पाएंगे जैसे फोर व्हीलर, स्कूटर, ट्रक, ये सब में जो चक्का का रिम होता है उसको फिट करने के लिए हम लोग स्टड का प्रयोग करते हैं। तब ये स्टड दो प्रकार का होते हैं, जैसे प्लेन स्टड और शोल्डर स्टड। तो अभी आप लोगों ने जाना प्लेन स्टड के बारे में। अब दूसरा है शोल्डर स्टड। शोल्डर स्टड में होता क्या है, प्लेन स्टड की तरह ही होता है, लेकिन उसमें जैसे ऊपर की ओर थ्रेड कटी हुई है तो थ्रेड जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर एक शोल्डर टाइप का बना होता है। इसके बाद फिर से कुछ जगह खाली, फिर उसके बाद थ्रेड कटी होती है। इससे होता क्या है कि ये शोल्डर जहाँ तक है वहाँ तक हम आराम से इसको टाइट कर सकते हैं और ये अच्छी तरह उस पार्ट्स में, किसी भी पार्ट्स पे अगर हम इस शोल्डर स्टड्स को हम फिट कर रहे हैं तो वो अच्छी तरह वहाँ पर बैठ जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इसके बाद फिर हम कोई चीज़ लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग इस शोल्डर स्टड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये स्टड्स में दो ही स्टड्स हैं, प्लेन स्टड्स और शोल्डर स्टड्स। इसका भी वही चीज़ है कि इसको भी टेम्प्रोरी फास्टनिंग के लिए ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे हम लोग स्क्रू। ये भी एक टेम्प्रोरी फास्टनर है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये भी हम लोग मशीन पार्ट्स में इस स्क्रू का यूज़ करते हैं फास्टनिंग के लिए। तो स्क्रू में एक टाइप्स आएगा, मशीन टाइप्स, हेक्सागोनल हेड स्क्रू, ये सब मशीन स्क्रू के अंतर्गत ढेर सारे स्क्रूज़ हैं। तो अब सबसे पहले जानेंगे मशीन स्क्रू होता क्या है। मशीन स्क्रू हम लोग हैवी ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं। इसमें ये होता है कि अब मशीन स्क्रू को देखेंगे तो इसका भी, ये भी एक रड से ही बनाया जाता है। इसका एक सिरे पर हेड होते हैं और दूसरा सिरे पर थ्रेड कटा होता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस तरह हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे बोल्ट भी इसी प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें होता है कि होता था क्या, उसके फुल बॉडी पर थ्रेड कटा होता था, लेकिन इसमें स्क्रू में हम लोग हेड के नीचे कुछ स्पेस छोड़ देते हैं जिस पर थ्रेड कटी नहीं होती, इसके बाद से थ्रेड स्टार्ट होता है। तो इस मशीन स्क्रू को हम लोग हैवी ड्यूटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस मशीन स्क्रू के अंतर्गत अब इसका और भी मशीन स्क्रू का टाइप्स है, जैसे हेक्सागोनल हेड स्क्रू। अब इसमें जो टाइप्स है वो फिर हेड पे आ गया, हेड हेक्सागोनल, छह साइडों वाला हेड स्क्रू। और फिर हेड के बाद फिर हम लोग हेड के नीचे फिर स्पेस रहेगा और जो निचला भाग है उसमें एक थ्रेड कटी होगी। दूसरा जो है हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू।
अब देखिए यहाँ पर हेक्सागोनल हेड स्क्रू और हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू, ये दोनों में अंतर क्या है। अब ये जो हेक्सागोनल हेड स्क्रू है ये मशीन के बाहर लगती है क्योंकि इसका हेड है। अगर हेड मशीन के हेड स्क्रू मशीन के अंदर में पार्ट्स में अगर हम लोग लगाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है हेड किसी चीज़ में टकरा जाए, किसी चीज़ से टकराने से मशीन ख़राब हो सकती है। इसलिए हम लोग मशीन के पार्ट्स के अंदर में हम लोग हेड स्क्रू का यूज़ नहीं करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं मशीन के बाहर, ठीक है। और इसमें जो देखिए हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू, दोनों में अंतर है। अब ऐसे हम लोग जान रहे हैं हेक्सागोनल ये हेक्सागोनल है हेड स्क्रू है, तो ये हुआ हेक्सागोनल हेड स्क्रू। अब हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू, इसमें होता है कि इसके अंदर भी इस तरह का हेक्सागोनल सॉकेट बना होता है जिसको हम लोग स्पैनर से नहीं, हम लोग एलेंकी से खोलते हैं। एलेंकी एक टूल्स है जिससे हम लोग हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू को खोलते हैं। अब जनरली अगर हेड स्क्रू का बात करते हैं तो इसमें हम लोग स्पैनर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू हम लोग को इसको खोलने के लिए हम लोग एलेंकी का इस्तेमाल करेंगे, ये भी हैवी ड्यूटी के लिए यूज़ होता है। अब स्क्वायर हेड स्क्रू, नाम के अनुसार इसका हेड स्क्वायर होगा। इसका इस्तेमाल हम लोग मशीन के उस पार्ट्स में करते हैं जहाँ पर हमको वो बार बार खोलने की ज़रूरत होती है। अब आया सब में इसका मेन काउंटरसिंक हेड स्क्रू। अब काउंटरसिंक हेड स्क्रू होता कैसे है, तो इसकी बनावट ही कुछ अलग है। ये काउंटरसिंक टाइप से बनी होती है, इस टाइप में, इसे कहते हैं काउंटरसिंक हेड स्क्रू। और ये जो काउंटरसिंक हेड स्क्रू है ये भी साधारण होल में फिट नहीं होती। इसको भी बैठाने के लिए जिस पार्ट्स में हम काउंटर सिंक होल करेंगे उसी में ये स्क्रू फिट होगा। और ये सभी जो मशीन स्क्रूज हैं ये चारों हैवी ड्यूटी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये सभी माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। और कार्य के अनुसार ये ब्रास एलॉय स्टील से भी बनाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक लेकर के मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।